नहीं खा गया क्या? ओके सी द कंडीशन ना, इफ येलो लाइट इन द यंग डबल स्लिट में इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट एंड द पीक विद विल अब ये गो तो विब्रो है विब्रो दिख लूंगा रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट रेड की वेवलेंथ ज्यादा इनके कम है आज कल तो और ज्यादा डिक्रीज कैसा बोल रहा है नहीं वो ऑलरेडी क्या है येलो है उसको हम चेंज करके क्या कर रहे हैं रेड कर रहे हैं। अब हमें पता है क्या रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इंक्रीज होगा ऑप्शन ई सी ऑप्शन सी 27 ये नहीं है बराबर। ए यंग एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज कवर्ड विद अ ब्लू फिल्टर एंड अदर स्लिट येलो फिल्टर देन इंटरफेरेंस पैटर्न एक को कवर किया आपने फिल्टर पे पता है इन यंग एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज कवर्ड विद अ ब्लू फिल्टर एंड अदर इज येलो फिल्टर ब्लू एंड येलो देन द इंटरफेरेंस विल बी ब्लू येलो विल बी ग्रीन विल नॉट बी फॉर्म will not be double slit experiment hai aisa ye slit 1 hai slit 2 hai yahan se aa raha hai ab yahan pe aapne cover kar diya bas band kar diya ha will not be found wo hai aapko confuse karne ke liye ek de raha hai wo blue and red paper hai chitka dale तो रेस जाएंगी क्या? अगर रेस जाएंगी भी, अगर रेस जाएंगी, for example you are taking some red ultraviolet red pass कर दिया, red जाएंगी, लेकिन pattern form करने के लिए ये open अच्छा है, इससे पहले भी question था full year partial year मैंने discuss किया था, ठीक है? तो क्या आएगा? will not be form. Now next, a thin transparent slit is placed in front of a slit, young double experiment slit. The field will देखो a thin transparent sheet यहाँ पर हमने क्या किया अभी क्या लगा दिया in front of slit in young double slit experiment the field will be क्या होगा increase होगा decrease होगा be non uniform होगा remain same decrease होगा मतलब आपने transparent sheet लगाई तो increase मिलेगा transparent sheet नहीं लगाई direct pass हो रहा है इसका मतलब क्या increase होगा कम हो जाएंगे तो जो पैटर्न फॉर्म होगा स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन में आपका ठीक है स्क्रीन है आपका यहाँ पर जो भी होगा होगा वो डिक्रीज होगा ठीक है ट्रांसपेरेंट लगाया वर्ड यूज किया है ट्रांसपेरेंट Now next, in young experiment to be perfectly dark कब होगा? देखो ऑप्शन पढ़ के देखो कब होगा? Young experiment to be perfectly dark बहुत dark मिलेगा कब? Wavelength after 2 years must be exactly equal, the amplitude of the wave must be exactly equal, the frequency of the wave must be exactly equal, phase after 2 years must be equal. मतलब wavelength equal होने चाहिए तब, frequency equal होने चाहिए तब एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए था क्या फेज डिफरेंट इक्वल होना चाहिए था ठीक है फॉर एग्जांपल इसका एम्पलीट्यूड अभी 5 है ठीक है अब दूसरी वे ले रहे हैं इंटरफेरेंस का तो मैं तो समेशन कर रहे ऐड कर रहे हैं कल टेबल लिखा था तो इसकी मिस का याद आ रहा है ठीक अब दूसरी वे लिया जिसका एम्पलीट्यूड कम है इसका रिजल्ट इस वे के बराबर आएगा क्या सेम इसका कम आएगा किसका कम आएगा इसका कम आएगा कंफर्म क्योंकि एक एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है और एक बड़ा है लेकिन इन दोनों में मतलब सेम है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है 5 और ये भी 5 हो तो बड़ा आएगा एज कम टू देयर ठीक है तो देखो क्या है ऑप्शन बोलो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल मतलब उन दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए अब देखो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल
फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द टाइम ओनली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, f = 1/T, रिसिप्रोकल जो मेजर करते हैं हर्ट्ज के अंदर, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एसएनएट क्या है, हर्ट्ज, ठीक है। तो देखो ये t पे डिपेंड है f, और क्या बोलता है, मतलब b तो होगा कंफर्म, अब बाकी के क्यों नहीं उस पे डिस्कस कर रहा हूं, a तो नहीं था, ठीक है, b है, c इसलिए नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द टाइम, टाइम का रिसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। लास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी फेज ऑफ द टू वेव मल्टीप्लिकेटिव, फेज मतलब ये जो फेज है वो उनका इक्विवेलेंट है, अगर फेज इक्वल हुआ, अगर फेज इक्वल हुआ तो एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिक इक्वल, या फिर फॉर एग्जांपल फेज है ना, फॉर फेज ऑफ फ्रेंड है यहां पर 2 मीटर का है और यहां पर कुछ भी ये फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंट नथिंग, मतलब दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, डिफरेंस अगर कुछ भी नहीं हुआ, डिफरेंट मतलब क्या होता है, फर्क, मतलब आपने और मुझे कुछ फर्क नहीं है, मतलब अब दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल एम्पलीट्यूड का है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बाकी नेक्स्ट दैट इज 30 ना। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द टू सोर्स ऑफ लाइट आर वेरी वाइड, बहुत दूर दूर है, दो सोर्स ऑफ लाइट है लेकिन वो क्या है, दूर दूर है, तो क्या बोलो, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर वेरी वाइड, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर वेरी नैरो, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इज ऑब्टेन इंस्टेड, इंटरफेरेंस डज नॉट ऑफर, बहुत दूर दूर है वो, ऐसा इसलिए टू सोर्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द टू सोर्स ऑफ लाइट आर वेरी वाइड, मतलब इन डिस्टेंस इज बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अभी ना रहते हुए मैं ए डिस्टेंस ध्यान निकाल रहा हूं, ये इसको होया और यहां से ये इसको, डिस्टेंस बोल दूंगा दूर दूर है, ठीक है। अब बोलो क्या है ऑप्शन, इंटरफेरेंस तो होगा, डज नॉट ऑकर इन एरो, इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन ऊपर से तीनों में से कौन सा है, इंटरफेरेंस फ्रिंज आर वेरी वाइड, फ्रिंजेस एंगल जो बड़े-बड़े मिलेंगे सा, और बोलो बराबर है, रीजन तो बोला करो, रीजन सर दो लाइट है सामने से जा रही ना, दोनों का जो वेवलेंथ वगैरह है ना वो मिक्स तो होगा, मिक्स होगा तो इंटरफेरेंस क्या होगा, वाइड होगा, ध्यान रहे इंटरफेरेंस क्या होगा, वाइड होगा, सोर्स अगर वाइड है, सोर्सेस अगर क्या होगा क्वेश्चन में, क्या वाइड है, बहुत दूर दूर है, ठीक है, तो उनका इंटरफेरेंस भी क्या होगा, वाइड, ठीक है। एक्चुअली आगे ये आएगा कि अगर ये ऑप्शन होता ना, ऑप्शन नहीं है ऊपर, अगर ये ऑप्शन होता कि स्ट्रीम पे इंटरफेरेंस वेरी लाइटली और इंटेंसिटी बहुत कम है तो ऑप्शन ठीक है, दूर दूर है तो जो समेशन हो रही ना वो होंगी जरूर, होंगी जरूर, मतलब आखिरी का ऑप्शन तो नहीं आएगा लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो क्लियरिटी होगी वो बहुत ही ब्लर होगी, ऑप्शन लेकिन वो नहीं, ठीक है। तो हम क्या पिक करेंगे फिर, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर वेरी वाइट, चेंबर दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक चेंबर है, एक रूम है जो किससे भरा हुआ है, सिंगल लाइट से, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसकी वेवलेंथ एक ही है, चेंज नहीं हो रही हो, बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तो पिछले की वेवलेंथ जो भी है वो सेम है। नाउ इवैक्यूएटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व, तो आपको क्या दिख रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है। व्हेन द कंटेनर इज ओपन टू द एयर, अब इस कंटेनर को हमने ओपन कर दिया किसके अंदर, एयर के अंदर, पर इसे इवैक्यूएटेड किया गया, इवैक्यूएटेड मतलब जितनी भी एयर थी बाहर निकाल दी, जितनी भी एयर थी क्या थी, बाहर निकल, ठीक है। When the container is open to the air, as container is evacuated, a careful observer will note the interference reaches, क्या आएगा, move slightly closer, do not change at all, move slightly further apart, none of this तो नहीं आएगा, सब तीनों में से क्वेश्चन समझा सबको, एक बड़ा सा रूम है, उस रूम में से हमने एयर निकाल ली, इवैक्यूएट किया, इवैक्यूएट पता है आपको, वैक्यूम करते हैं, ठीक है, वैक्यूम कैसे करते हैं पता हूँ, ठीक है,
अब वहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट से अपने इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया मतलब हमने दो वेवलेंथ में लिए, सोर्स आए यहां से लाइट आई, इधर से लाइट आई, इधर से ही जो भी फॉर्म हो रहा है आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे से फॉर्म पैटर्न फॉर्म हो क्या most likely farther apart या फिर दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, क्यों? यस, इफ द एयर आर इंटरफेरेंस, वो अगर इंटरफेरेंस करती है तो एक दूसरे से दूर है, most likely further apart, वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जा रहे हैं। Now in young doubles we experiment for which color is the fringe with the least vibrome ka niche start kar raha r mein khatam ho raha to yahan se start karo red to maximum hoga to violet hai kya upper option indigo hai agar violet hota to tick karte agar indigo hota to tick karte nahi hai to fir kya baja blue hai to usko tick karte samajh raha na option bhi change kar sakte hain hum option bhi change kar sakte hain theek hai agar aisa na hota with लीस्ट के जगह विद मोस्ट आता तो क्या आता अगर रेड ऑप्शन ना होता तो क्या आता ऑरेंज है क्या वहां पर क्या है ब्लू हां तो हो गया येलो येलो देखा कि नहीं पीके फिल्म वो येलो क्या पहन के मिलता भगवान हमको देख लेंगे दूर से पर हमारा येलो ऑफ कर देते है ना येलो येलो क्या याद आ रही है पीके मूवी हां हेलमेट पहनता येलो इसको बोलती है वो इवन क्यों पहन रही है हेलमेट क्यों पहन रही है बोले इतनी गर्दी में भगवान कैसे देखेगा दूर से रिफ्लेक्ट मार देगा इसलिए महामंडल की गाड़ी किसी थी रेड दूर से नजर आता आप वो अगर मेट्रो सिटी में जाए तो कलर भी टैक्सी रेड है तो दूर से नजर आ जा रही है सुपर पर मैं ये जो लॉजिक लगाया है ना कुछ रीजन इनके पीछे इसलिए उन्होंने अपने महामंडल का क्या है लाल है ना और येलो टैक्सी ये खाली ब्लू टैक्सी लेती है नहीं इवन नहीं भी लेती ना इंडिगो को इंडिगो ये फोर व्हीलर है देखो आप तो मुंबई में उसको क्या बना दिया है क्या बोला क्या आपने बड़े उसको येलो पट्टी मार देते येलो पट्टी मार देते दूर से नजर क्वेश्चन को आप चेंज भी करो और फिर पढ़ो तो आपको ज्यादा समझ में नेक्स्ट इफ अ टॉर्च इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इन यंग डेमोस्ट्रेटर व्हाट विल हैपन क्या होगा टॉर्च यूज करें टॉर्च टॉर्च पता है सबको पता होगा सबको मोबाइल के टॉर्च पता है यूज प्लेस इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट तो क्या होगा यंग्स नो फ्रिंज विल अपीयर ओनली ब्राइट फ्रिंज विल अपीयर फ्रिंज विल अपीयर इन द सेम वे एज फॉर मोनोक्रोमेटिक सोर्स फ्रिंजेस विल अपीयर फॉर मोमेंट एंड इट विल डिसअपीयर मतलब फॉर्म होंगे बाद में चले जाएंगे ऐसा तो नहीं एक बार फॉर्म होंगे तो रहेंगे ठीक है नहीं पर ऊपर आओगे सी पर आई फ्रिंज विल ऑकर इन द सेम वे एज फॉर मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब वो जैसा मोनोक्रोमेटिक सोर्स में पैदा कर रहा था या फिर जैसे भी हो रहा था वैसे ही टॉर्च में भी होगा क्या नहीं ठीक है ऊपर आइए ओनली ब्राइट फ्रिंज विल अपीयर खाली ब्राइट होगा क्या डार्क नहीं आएगा क्या हो सकता है डार्क आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता मे बी है फिक्स नहीं है मतलब वो ऑप्शन हो सकता था लेकिन उसने क्या बोल दिया ओनली वर्ड यूज कर मे बी करता तो फिर ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन होता ओनली कर दिया मतलब डिस्टिंक्शन कर दिया कि नहीं भाई ये होगा इसके अलावा कुछ नहीं होगा फिर क्या बचा नो फ्रिंज नो फ्रिंज विल समझ आ रहा ना दो वे रहते हैं एमसीक्यू को टिक करने के इस तो सही आंसर फट से पता रहता है ठीक है उस पे हिट कर दो खत्म बात या फिर हमको सबको इवैल्यूएट करना सबको इवैल्यूएट मतलब सबकी पड़ताल नहीं करनी जैसे आपको पता है कि चोर कौन है तो उसको कौन है चोर इसकी तलाश लो अब पता ही नहीं चोर कौन मतलब आपको पता ही नहीं है कौन है सबकी तलाश लो तो इसलिए हमने सब सारे ऑप्शन को क्या करना पड़ा वेरीफाई करना पड़ा उसके बाद करना पड़ा समझ आ रही है अच्छा 34 इन यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट 62 ब्रिजेस आर सीन कितने 62
और एक ही बोले सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5,893 एंगस्ट्रॉम इफ वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4,000 बोलो 358 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम देन नंबर ऑफ इंचेस इट विल बी बोलो 54 ये बेटा 64 54 ए 54 हां व्हाई सर उसकी वेवलेंथ कम होगी इसलिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी कम होंगी वेवलेंथ कम होंगी देखो इसका आंसर लिख लो इसका सॉल्यूशन ही लिखो रहा है लिखता हूं बोर्ड पे बराबर आपने बेटा एक दिन में सॉल्यूशन लिख रहा हूं आपको लिखना है तो लिखिए n1 लैम्डा 1 n1 इज द नंबर लैम्डा 1 इज द वेवलेंथ ठीक है पुट करेंगे वैल्यू ये क्या है 62 into 5893 equal to n2 क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन फॉर्मूला यही करना है क्या करा 6253 अपॉन इसका जो भी आंसर आया ना अप्रोक्सिमेटली व्हाटएवर ठीक है तो डाउट है यादव ठीक है अगर वैल्यू चेंज हुई देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं हुई है ना ये वैल्यू चेंज हो सकती है एमस्ट्रांग की वैल्यू चेंज होगी प्रिंसेस की 64 के 62 के का 52 दे देगा 50 दे देगा 10,000 दो हटे और भी रह सकता है वो लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ठीक है बेटा चेतन प्रांजल ओके चलो द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स देखो बोलो पार्ट डिफरेंस आपके पास भी शीट है सब लोगों के पास यस सर हाँ देखिए फिर पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस बोलो क्या होगा एक्स डी अपॉन डी और डी क्या है ये पहले समझ लो डी क्या है एक्स क्या है छोटा डी क्या है बड़ा डी क्या है ये पता है सबको आपको किसको आपको पता है आने वालों एक्स डी कैपिटल डी बोलो दिव्या चेतन एनी आइडिया अबाउट द एक्स डी और डी देखो क्या पूछ रहा है द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑप्शन तो बाद में पहले हमें ही पता नहीं चलेगा ये फार्मूला है आपके बुक में लिख लो लगे तो आपको याद नहीं होगा तो x सोर्स डिस्टेंस देखो यहां सोर्स रहता है ना ये s1 s2 है ना हां यहां पर सोर्स रहता है जैसे सन पकड़ लो या फिर कैंडल पकड़ लो है ना या फिर सोडियम लाइट पकड़ लो या फिर टॉर्च पकड़ लो व्हाटएवर ठीक है दीज आर द सोर्स x सोर्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट अब d छोटा d बोले तो कौन द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इन दोनों के बीच का फासला बोले तो स्मॉल d समझ आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट दो छोटे स्लिट स्लिट से पता है ना और इसका होल जिसमें से क्या जाना चाहिए लाइट वेव चाहिए ठीक है वो और कैपिटल डी मतलब क्या है ना लगा हुआ अंदाजा कैपिटल डी क्या है बेस कैपिटल डी फॉर द स्लिट बराबर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट यहां से लेकर के यहां तक का फासला होता है कैपिटल डी वेरी गुड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट स्क्रीन स्क्रीन का और स्लिट के बीच का फासला कैपिटल डी होता है छोटा डी स्लिट के बीच का फासला होता है और एक्स मतलब सोर्स और स्लिट के बीच का फासला होता है तीन ही चीजें ठीक है अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ अगर सोर्स बढ़ता है एच डी डी अभी देखो डिनोमिनेटर में
छोटे डी भी है, लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा को कट कर दो पहले, खत्म कर देना टॉप ऑन में, ठीक है। अब बचा कॉम्पिटिशन तीन लोगों में, ए बी और डी के, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में स्मॉल डी कहां पर और कैपिटल डी कहां पर, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब फिर से सी और डी में देखो वेवलेंथ की बात की है, लैम्ब्डा लैम्ब्डा इज नॉट गोइंग टू चेंज, लैम्ब्डा इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होता है, तो क्या कर गए फिर, सी डी कर गए, सी डी कर, समझ में आ रहा है कैसे काट रहे हो, मैं पूरे इसके बाद कैसे कर रहे हैं हम, जो भी होती है खुद की होती है, सबसे अलग होती है लेकिन एक ही, ठीक है ना, यूनिक, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट, और हमारे इसमें क्या है जो यूनिक रहता है, और थंबप्रिंट, आईज, देखो आप आईज भी बराबर हो रहा है, आईज आईज होती है, ये होती है, और टंग फिंगरप्रिंट और सबसे ज्यादा यूनिक रहती है, सबसे पहले लेकिन जो प्रोबेबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी आपको बड़ा हम आपने मेन रेगुलर मैथ में, जो प्रोबेबिलिटी रहती है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर होती है, टंग, देखो आप एक्चुअली ये मुझे पता कहां चलता है, क्या आप जो बुक देते ना उसके पीछे देखो कैश करके लेते नोटबुक, तो सब नोटबुक के पैस पड़ता होगा, मेरे पास जब चेकिंग के लिए आती ना चेक कर लेता है बच्चों की हैबिट है, मेरे को तो मतलब देती है आंसर का, ठीक है, तो इसके पीछे देखो आपके बुक के पीछे देखते हैं, ये मुझे पढ़ने की आदत है, ये सब पढ़ता हूँ, सब पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं से मिलता है, वो बोलते हैं हर जगह नॉलेजेबल लेने वाले, देखो आएंगे अब लोग क्या टैग के बारे में हो, वैकेशन के बारे में, इसका एग्जांपल हम देते हैं, मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ, ऋग्वेद में हमें बहुत सारी चीजें फिजिक्स के बारे में ऑलरेडी उन्होंने बता दी थी, लेकिन हमको विश्वास है कि मेरा ना ऐसा ना आपके में फिजिक्स बताता है, उनकी बात सुनना बस बता रहा हूँ, कम दौड़ रहा हूँ, हाँ फिर ए और डी में आएगा, अब बी देखो स्मॉल बी क्यों ए और बी में फर्क आएगा, और आंसर है एच बी अपॉन डी, एच बी अपॉन डी वेरिएशन टी जो होगा वो हम ज्यादातर चेंज करते हैं, आपने अगर लोअर क्लासेस में अगर इसका फोकल लेंथ फाइंड करने का प्रैक्टिकल किया है कभी, फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, एक मिरर रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, वो स्क्रीन को हम एडजस्ट करते, कब तक एडजस्ट करते, जब तक इमेज फॉर्म नहीं होती, तो किसको एडजस्ट करते हैं, हम स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं, हम किसको एडजस्ट करते हैं, स्क्रीन को एडजस्ट करते, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन है मेरे लिए, मुझे अगर नहीं पढ़ते आ रहा है तो मैं इसे एडजस्ट करूँ, समझ में आ रहा है लॉजिक, तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मोस्टली डी चेंज कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन आएगा एच डी अपॉन कैपिटल, इसमें जो फासला घड़ी घड़ी थोड़ी स्लिट बदलते रहेंगे, एक बार हमने फिक्स कर दी ना तो फिक्स हो जाएंगे, अब फ्रिंजेस या फिर जो डार्क पैटर्न फॉर्म होगा, हेलो क्या हुआ, क्या गाना गाया, सुबह 10 बजे से लेके अभी तो कुछ खाया नहीं, तो तुम कुछ खाते पीते नहीं हो क्या, अरे अपने डायट का ख्याल रखो, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा बोला मेरी उम्र में, ख्याल रखो सबसे पहले है हेल्थ, हेल्थ इज द वेल्थ, हाँ वो समझो एच डी और डी, चलो कम डाउन अभी डी फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, इंटरफ्रेंस पैटर्न फॉर्म करने के नंबर ऑफ, ये जब ये पूछा ना कि 64 कितना आता है, ये इसको सिस्टम बिटवीन टू टू है वो फूल ही है, एफ डब्ल्यू हो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट राइट लैंड में बैंड है,
बैंड बैंड एल एंड डी लैंड कर दो. टू ब्राइट बैंड और टू डार्क बैंड इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बोलो. बैंडविड्थ डी बैंडविड्थ बराबर ये तो कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. बैंडविड्थ बैंडविड्थ बोलेंगे क्या बोलेंगे बैंडविड्थ. 36 का डी आएगा 36 का क्या आएगा डी आएगा. अब 37 का बोलो पटके में इन इंटरवल्स ऑफ लाइट राइट बैंड ऑफर ऑन द स्क्रीन एंड हेलो बी हां बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी सी आएगा लैम्डा डी जे डी जे डी फाइव डी ऐसा सर सी और डी कट हो जाएगा. देखो क्या नहीं आएगा पहले बात करते हैं. सी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि ऑफर थ्री लैम्डा डी और थ्री लैम्डा डी एक जैसा दिया हुआ है. कट समझ आ रहा कट क्यों कर रहा हूँ ठीक है. अब देखो डी को कट कर रहा हूँ डी क्यों किस बेस पे कट कर रहा हूँ तो आखिरी में जो ऑप्शन दिया ना थ्री डी अपॉन 90 ठीक है. अगर थ्री डी अपॉन 90 को कट करेंगे आप तो ऑप्शन क्या आएगा देखो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल थ्री डी बराबर थ्री वन थ्री 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 जा 9 तो वो भी कट जाएगा. मतलब वो सिक्वेंस में नहीं आ रहा है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सुना है ना आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इसमें नहीं आ रहा है ठीक है. तो सी और डी का गया था. अब बच्चा कॉम्पिटिशन ए और बी में ठीक है. तो देखो क्या सेम वैलिड हो रहा है क्या सेम नहीं वैलिड हो रहा है इस पर बात करो. जीरो लैम्डा डी बाई डी टू लैम्डा बाई डी फिर थ्री लैम्डा बाई डी फिर फोर लैम्डा बाई डी फिर फाइव लैम्डा डी ऐसे चलती जाएंगी. दैट्स व्हाई द आंसर इज ए. वो भी लगा ठीक है. चलो तो 37 का ए 37 का ए द डिस्टेंस नेक्स्ट 38 द डिस्टेंस ऑफ अगर वो एन होगा तो क्वेश्चन सही होगा पर वो एन ई लिख दिया. चलो बताओ ऑप्शन क्या आएगा. ऊपर का ही क्वेश्चन है देखो ऊपर का ऐसा कौन लिख रहा है देखो फॉर्मूला ऊपर का आएगा देखो एन एन इज देयर एन ही पार्ट है प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 37 देखो समझ आ रहा है. एंड एन फॉर एग्जाम्पल 1 लिया तो आएगा एन फॉर एग्जाम्पल क्या लिया 2 लिया तो वो आएगा कुछ भी लिया अगर 0 लिया तो 0 लेगा वो 0 लिया तो 0 क्योंकि 0 सबको क्या करता इफ समझ आया बेटा चेतन दिव्या सर इसमें डार्क बैंड नहीं होंगे क्या इसमें. हाँ डार्क बैंड भी होंगे वहां डार्क वर्ड भी आता था चल सकता था कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है. दिव्या यस सर राजेश प्रांजल महेश ऋतुजा रुचिता यस सर आपके नाम से आप फिजिकली हो ना आ रहा है आवाज रिप्लाई करो ला. हाँ सर यस सर सर या 38 तक क्लियर है सबको. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 26 ना 25 टू 38 तक कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं सर. सारे लॉजिक समझ में आ रहे हैं व्हाई वी इलिमिनेट द ऑप्शन और व्हाई वी टिक द करेक्ट आंसर. देयर आर टू वे टू फाइंड द एमसीक्यू आंसर फॉर एलिमिनेशन मेथड दिखेगी मैथ में है ये कही तो एलिमिनेशन मेथड एंड
सब्स्टिट्यूट मेथड। वेटेज क्या है इस चैप्टर का? इंटरनल डिफ्रैक्शन मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे बाय हार्ट का याद नहीं है, अगर मैं राउंड अप करूं तो ये 6 मार्क का था। सबसे ज्यादा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद आता है ऑप्टिक्स, ठीक है, सुना होगा नाम तो, पढ़ा ना हमने, पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर ऑप्टिक, फिर आपके वो मोशन प्रॉपर्टीज, डायनामिक्स और कैनेटिक्स बोथ, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के पास सिस्टम नाम मैकेनिक्स में पार्ट्स आएंगे, फिर आपको उसे पार्ट्स पढ़ा। सीटी में देखो, सीटी में इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जितने हार्ड आईआईटी में जेडब्ल्यू में आते हैं, इतने हार्ड नहीं आएंगे। हालांकि नीट में भी जैसे भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, नीट का भी एक बार क्वेश्चन पेपर देखो आप, उसका पैटर्न देखिए आप, ठीक है, और सीटी का पैटर्न देखिए। सीटी में जो होता है ना, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम कर रहे हैं एक्चुअली, होता है ये थ्री टाइप न्यूमेरिकल हार्ड एंड फास्ट नहीं आते। हार्ड एंड फास्ट मतलब बहुत ही डीप लेवल के, फिर बहुत ही हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं आते। इफ यू नो द कांसेप्ट ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन पिक आउट द आंसर्स। और ये कांसेप्ट में डिलीबरेटली इसलिए लेता हूं, एक्चुअली मुझे जब बोलते डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली अगर स्टार्ट कर दिया और उसका ओवरव्यू आइडिया ग्राउंड लेवल नहीं रहा तो फिर हमारी बिल्डिंग नहीं करते। आरसीसी बांधना पता है, आरसीसी और लोड बेरिंग, लोड बेरिंग अच्छे का आरसीसी, समझ आ रहा है ना। तो पहले थोड़ा फाउंडेशन मजबूत करो, फिर न्यूमेरिकल को, और फिर न्यूमेरिकल में सबसे हार्ड आप लोगों के लिए ऐसा मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल ही हो, इसमें आप आंसर दे रहे हो, वहां तो क्या था वो सारा गिवन चार्ट पता निकल रहा और फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो तो पल्ली नहीं करो, और फिर डाल दिए तो रोज कैलकुलेशन के लगभग है ना, ऐसे हो रहा था। फिर आपके हाथ में जो है ना, फिर आपके हाथ में भी क्या है बताए, खाली चेरी पार्ट पक्का करो, ये आपके हाथ में, ठीक है, चेरी पार्ट कितना पक्का हो जाए जी बेटा, चेरी पार्ट कितने परसेंट, चेरी पार्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। आईआईटी में सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल, कोई चेरी पार्ट नहीं, तो आप सीडी को अपील कर रहे हैं ना, आईडी को पूरे फ्रिंज से थीम ट्रांसफरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग वेव। बोलो देखो क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफरेंट का इंटरफेरेंस कर रहे हैं, शीट के आगे अभी था ना क्वेश्चन ऐसा लगा दे रहे हैं, तो क्या होगा, शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द राइट, रिमेन द सेम, शिफ्ट अपवर्ड, रिमेन सेम, रीजन के साथ बोलना है। मैं कैसे रीजन के साथ बता दूं आपको, आपको सर मुझे भी नहीं आता है सर, रिमेन सेम, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आता, आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ द फिजिक्स, बढ़ते दम तक बोलो क्या होगा। देखो वो कंसेप्ट याद है आपको, जब रेड रेयर टू डेंसर जाती है या डेंसर टू रेयर आती है तो अवे फ्रॉम द होता है टुवर्ड द नॉर्मल होता है, तो अवे फ्रॉम द कब होता है, जब डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर आता है, अवे होता है, बराबर, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, समझ आ रही आपको, स्पीड बढ़ जाती है। तो देखो जब रेज इंटर करेंगे आपकी सीट के अंदर, जो भी ट्रांसफर सीट है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसफर सीट है, इसके अंदर इंटर करी तो ये क्या होगा, कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, समझ आ रही है आपका बात, ये क्या होगा डेंसर मीडियम, तो यहां पे स्पीड कम कम रहेगी इसकी, लेकिन अब वो बाहर निकलेगा भी ना, बाहर निकलेगा कौन से मीडियम में आएगा, वो एयर मीडियम में, दैट इज रेयर मीडियम, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो बोलो फिर क्या है, सेम वर्ड्स कहेगा अपवर्ड, शिफ्ट अपवर्ड्स, ना लेफ्ट राइट क्यों नहीं बोला मैंने, लेफ्ट राइट तो यह होगा ना, अपवर्ड हुआ होगा, अगर उल्टा, अगर क्वेश्चन भी चेंज करो, अगर उल्टा चेंज कर देखो, अ थिन ट्रांसफर प्लेट इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग वेव, डाउनवर्ड्स ऑप्शन ही नहीं था, डाउनवर्ड ऑप्शन नहीं, अपवर्ड ही है, तो रिमेन सेम तो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है पता है आपको, रेयर मीडियम में डिफरेंस, स्पीड क्यों चेंज, समझ आ रहा है।
कंटिन्यू इन बायप्रिज्म यू नो द बायप्रिज्म दो प्रिज्म प्रिज्म हमने क्योंकि सबने देखा है बोर्ड पे सबने ड्रॉ किया है बहुत बार करा है ना मैंने इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्लियर एंड शार्प इंटरनल पैटर्न इज सीन व्हेन कब बायप्रिज्म इज क्लोज टू स्लिट बायप्रिज्म को क्या कर दो स्लिट के क्लोज कर दो करीब में रख दो रिफ्रेक्टिंग एज ऑफ द बायप्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू द स्लिट रिफ्रेक्टिंग एज पता है किसको बोलते हैं रिफ्रेक्टिंग एज एज मतलब उसके जो कॉर्नर्स होते हैं फॉर एग्जांपल ये प्रिज्म है फॉर एग्जांपल ये प्रिज्म नहीं है फॉर एग्जांपल ये प्रिज्म होता तो ये इसके जो कॉर्नर्स होते हैं कॉर्नर्स ठीक है वो कॉर्नर पे आप रिफ्रेक्ट करो क्या करो रे वे को रिफ्रेक्ट करो ठीक है रिफ्रेक्टिंग एज ऑफ द बायप्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू द स्लिट परपेंडिकुलर टू द स्लिट बायप्रिज्म इज क्लोज टू द आईपीस आईपीस करीब में रखो मतलब स्क्रीन के करीब में रखो तो दिखेगा ही नहीं कहां का मतलब रिफ्रेक्टिंग एज बायप्रिज्म एग्जैक्टली पैरेलल टू द स्लिट तो बोलो ए और सी को जाने दो बी और डी में बोलो और रीजन के साथ बोलो परपेंडिकुलर है पैरेलल बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको एक बाय प्रिज्म सर पैरेलल और वो स्लिट के बहुत करीब रख दिया क्या करने के लिए इंटरनल पैटर्न सी सार बहुत क्लियर दिख रहा है एकदम तो पैरेलल चाहिए कि परपेंडिकुलर चाहिए रिफ्रेक्टिंग एज ऑफ द बाय प्रिज्म सर पैरेलल पैरेलल चाहिए क्यों सर अगर परपेंडिकुलर रखा तो उसका कॉर्नर एक साइड में आएंगे तो दो अलग अलग सरफेसेस फॉर्म होंगी ठीक ठीक राइट द आंसर इज पैरेलल अगर परपेंडिकुलर रखा तो दो सरफेस फॉर्म हो जाएंगे परपेंडिकुलर रखा तो दो सरफेस फॉर्म हो जाएंगे देखो परपेंडिकुलर होता है ना ऐसा और ये ऐसा मतलब ये सरफेस हो गया ये सरफेस हो गया पैरेलल तो ये दोनों एग्जिस्ट इसके लिए हो बोलो कितना एंगल होता है हमारे आईज का वीवी एंगल वीवी मतलब हम कितना देख सकते हैं 180 मतलब इधर एग्जैक्टली तो इधर पे एग्जैक्टली देख सकते क्या करके देखो ना कुछ के हाथ ऐसे करके देखो कि ये और ये फिंगर एक साथ दोनों दिख रही है मुझे नहीं दिख रही जीरो डिग्री फिर नहीं दिखती मुझे तो दिखती नॉर्मली 180 होती ही नहीं है हमारा व्यू एंगल 180 है 360 का सवाल नहीं पता है वो मतलब पीछे को दिखता क्या तुमको नहीं ठीक है तो कितना है ना 0 डिग्री जी बेटा सर पैरेलल होता है 0 डिग्री 0 डिग्री पैरेलल नहीं बोलो बोलो बेटा ऑनलाइन 41 का आंसर
इन फिनिशियल वाइब्रेशन इंक्रीज मेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एपर्चर एंड आई ठीक है इज इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा रिमेन अनचार्ज होगा इंक्रीज होगा जी बेटा इंक्रीज इंक्रीज राइट इंक्रीज होगा लिखो टिक करो इंक्रीज एपरेचर अगर बढ़ रहा है एपरेचर हमने प्रिज्म में सॉरी लेंस में बताया था आपको मिरर में एपरेचर यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है वो होता है एपरेचर और ये जो होता है ये क्या होता है आपका कर्व पार्ट स्फेरिकल सरफेस ठीक है इसके बीच में जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस इसके जो बीच का होता है वो ओ ये सब देखा था ना हमने याद आ रहा है अब अगला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आता है बार बार द वर्टेक्स एंगल ऑफ ए बाइप्रिज्म इज ऑर्डर ऑफ इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं ये जनरली आता ही है सीटी में सॉरी एनडीएच में तो मैंने बहुत बार दे रखा है क्वेश्चन 179 डिग्री दे लो बड़ा थोड़ा जो कंफ्यूजन होता है वही कंफ्यूजन इनको भी है ऑप्शन भी ऐसे दिए रहना मैंने बराबर कंफ्यूज करने वाले 179, 170, 180 वो देखो स्पीकर मिरर वो देखो लेंस ऐसा ऊपर ही रखा हमने ऐसा थ्री फेस एंड टू फेस अब क्या क्वेश्चन एक्चुअली देखो समझ लो क्या बोल रहा है वर्टाइसेस वर्टेक्स मतलब ये क्या है ये तो इसके पीछे का जो होगा ना जो मैं नहीं दिखा पा रहा आपको तो सिंगम में बोलते हैं ना कितने सिंह अशोक स्तंभ पर चार होते हैं जितने तीन है मेरा पीछे है ना नजर पता नहीं तो इसके अंदर का एंगल पूछ रहा है क्वेश्चन इसके अंदर का एंगल पूछ रहा है मतलब ये जो वर्टेक्स है ये और ये पीछे का है इसके अंदर का एंगल क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आंसर आप बराबर दोगे अब इस बच्ची ने दी 179 बोले तो वो पैरेलल के आसपास हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो गया दोनों अगर पैरेलल हुए तो 180 बोल देते ठीक है एक्चुअली वो एक दूसरे पे होते नहीं हुए किसी को टच होते हैं तो आंसर आपने टिक करना है 1 डिग्री बोलो बोलो जरा दिमाग लड़ाओ आप कुछ नहीं बोलते हो आप समझ बैठे रहते हो थोड़ा कोशिश करो ना गलत आया तो थोड़ी यार नीडियो की मार्किंग दे रहा हूँ गलत आएंगे तो सरकार तो फ्री बढ़ा देंगे आप कैसे हो क्या ट्राई करो ना एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जाता है अभी मैं आंसर बता रहा हूँ भी और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ बायोफिजिकल एक्सपेरिमेंट द फील्ड दैट कंटेन्स द फ्रिंजेस इज एसी स्ट्रेट है क्या सर ऑप्शन डी एच ई और एंड एफ जी एच ई और एफ जी फ्रिंजेस कहाँ बनेंगे किसके अंदर होंगे फ्रिंजेस बेटा किसके अंदर होंगे फ्रिंजेस वो पूछ रहा है देखो क्या पूछ रहा है बायोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जैसे बायोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे ना आप द फील्ड दैट कंटेन्स द फ्रिंजेस इज किसके अंदर होंगे एसी के अंदर होंगे क्या जी
एच के अंदर होंगे क्या? जी एच के अंदर होंगे, या एच ई और एफ जी के अंदर होंगे? तो जहां पर स्क्रीन होगा ना वहां पर होंगे, तो स्क्रीन देखो कहां पर होंगे? नहीं, जी एच ई एफ, ई एफ, ई एफ स्क्रीन है वो, उस पर भाव आ रहा है ना, बाकी का जा रहा था। देखो अभी अभी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, तो ऑनलाइन वालों के लिए ये जितना ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, जितना व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, उतना स्क्रीन है, उतने स्क्रीन है। हालांकि हम इधर भी लिख डालते तो उनको दिखता नहीं, उनको दिखता नहीं, हम इधर भी लिख डालते। तो वो देखो जो बाहर चल जा रही ना, एच ई और एफ जी, वो बाहर है एक्चुअली, वो स्क्रीन के आउट ऑफ द पार्ट है। तो स्क्रीन क्या हुआ फिजिकली? ई एफ, ई एफ, समझ आ रहा है? स्क्रीन के आउट मत जाओ, मतलब देखो मेरा फिंगर दिख नहीं रहा, स्क्रीन के आउट है, आपको दिख नहीं रहा शायद, अब दिखेगा, देखो दिख रहा है ना, ठीक है। चल इन बाइपेडियम एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, ये बहुत बाइपेडियम बाइपेडियम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक बार जब मिले ना आपको, एक बार उसको पढ़ के निकालो। बाइपेडियम एक्सपेरिमेंट आपके टेक्सटबुक में दिया है और स्टेट बोर्ड की बुक में बहुत अच्छा दिया, मैं करके बताया एक्चुअली, तो एक बार आप पढ़ लो ना, एक बार पढ़ लो वो बाइपेडियम एक्सपेरिमेंट आपके टेक्सटबुक में होगा, पढ़ लो उसको और फिर से न्यूमेरिकल को देखो, फिर से न्यूमेरिकल को देखो, और जो जो आप टिक कर रहे हो ना, जो भी टिक कर रहे हो, जैसा ये बंदा टिक कर रहा है ना, फिर ऑप्शन टिक करो, और ऐसे मैंने बार बार प्रैक्टिस करता था, टिक रहते थे, फिर सर्कल रहते थे, फिर स्टार रहते थे, फिर ओके रहते थे, मतलब इसी में इसी सीट पे करो। अब आपको समझ में आएगा कि ये आंसर आ गया, तो हो सकता है आप उसको पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो डी बोल दो, डायरेक्ट डी बोल दो, बिना सोचे डी बोल देगा, ठीक है। तो ये ना हो इसलिए स्पीड टिक करो, फिर सब एक जैसे हो गए ना, सब एक जैसे हो गए, कोई अपन पूरे चला ही आ रहा पर्टिकुलर, फिर आप खुद आंसर टिक करो, फिर चेक करो प्रीवियस के हमारे आंसर क्या थे और हमने क्या ये आपने देख लिया ना, आप इसी को अगर पढ़ेंगे ना तो आपको लॉजिक नहीं लगा, मतलब आपका देखो जब सामने चीज है ना तो किस लिए आदमी इफर्ट करे, सामने आंसर है ना तो इफर्ट क्यों करा मैं? आप आंसर को छुपा लो, आप आंसर को छुपाने का क्या मतलब है, इसको तो हाइड नहीं कर सकते आप, फिर क्या करो सब पर टिक करो, चुप आंसर हाइड कर लो, चुप है ना, ऐसे प्रैक्टिस करो। चलो इन बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स द कॉन्वेक्स लेंस इज रिड्यूस्ड, कॉन्वेक्स लेंस को रिड्यूस करना है कहां पर? कोहेरेंट सोर्स के लगा, मतलब यहां पर आपको क्या लगा देना है? कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा देना। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है? कन्वर्ज गति का डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज गति का डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज। लेकिन इसका रिलेशन यहां के यहां पर देखो तो ऑप्शन में बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, बिटवीन द स्लिट एंड द बाइब्रिज्म, बिटवीन द आईपीस एंड द बाइब्रिज्म, बिहाइंड द आईपीस, बिहाइंड द आईपीस बोलो तो आईपीस के पीछे रखते कोई फायदा नहीं, ठीक है। डी हटा दो, ए बी सी में से देखो क्या है, बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, बिटवीन द स्लिट एंड द बाइब्रिज्म, बिटवीन द आईपीस एंड द बाइब्रिज्म, आईपीस एंड बाइब्रिज्म, यस बिटवीन द आईपीस एंड द बाइब्रिज्म। एक बार आप ये बाइबिलियम एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे ना, इसको भी वेरीफाई करो, ठीक है। अब तक क्यों डाउट है? वी कंप्लीट द 44 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी कैन टेक द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये शीट ले लो सर से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से होने वाले इफेक्ट, ठीक है। एनी डाउट?